दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम जानेंगे बहुत ही छोटे पैर, लंबा शरीर और ठिगने कद के चंचल डॉग, जिसका विकास जर्मनी में हुआ है और जर्मनी में इसे मुख्य रूप से लोमड़ी, खरगोश और बेजर के शिकार के रूप में प्रयोग में लिया जाता था। इसका नाम है डैश हंड। तो डैश हंड का अर्थ होता है बेजर डॉग, यानी वह डॉग जो जमीन में घुस जाता है। इसकी छोटी साइज और लंबे शरीर के कारण आसानी से जमीन में, बिलों में घुसे हुए शिकार को भी खींचकर बाहर निकाल लेता था। इंग्लिश में हंड का गलत ट्रांसलेशन करके हाउंड कर दिया गया, जबकि डैश हंड डॉग हाउंड डॉग में नहीं आता है, बल्कि यह एक टेरियर डॉग है जो जमीन में घुसे हुए शिकार को बाहर निकाल देता है। डैश हंड इतना अधिक साहसी होता है कि तीखे धारदार नाखूनों वाले फेजर पर भी हमला कर देता है। इसके सूंघने की क्षमता इतनी तेज होती है कि घायल शिकार को भी दूर से ही मालूम कर लेता है। इस खासियत के कारण ही फ्रांस में इसे रेड हॉट डॉग कहा जाता है, क्योंकि जंगलों में घायल हिरण और जंगली सुअर की मात्र एक बूंद खून को जमीन पर सूंघकर उसका पीछा कर सकता है और उसे ढूंढकर ही चैन लेता है। उस समय डैश हंड की साइज आज के डैश हंड से बहुत बड़ी थी, लेकिन 19वीं सदी के अंत में छोटे आकार को विकसित कर लिया गया। अब इससे भी छोटे मिनिएचर डैश हंड काफी पॉपुलर हो रहे हैं। तो दोस्तों, प्रिंस एडवर्ड के द्वारा महारानी विक्टोरिया को भेंट करने के बाद ब्रिटेन में पहली बार डैश हंड का प्रयोग हुआ था। तो हम आपको बता देंगे, कई केनल क्लबों में डैश हंड की 6 ब्रीड्स को मान्यता दी गई है। पहली 3 स्टैंडर्ड साइज की हैं, जो बालों के कोट के आधार पर मिनिएचर डैश हंड की ब्रीड्स हैं। स्वभाव से सभी डैश हंड समान हैं। ये बहुत ही खुशमिजाज, एक्टिव और खेल प्रिय डॉग होते हैं। अपने साथ अन्य डॉग या कैट आदि के साथ भी बहुत प्यार से रहते हैं। चूंकि कुछ रिजर्व नेचर के भी होते हैं, लेकिन हमेशा ये जेंटल व्यवहार ही करते हैं। यह इंसान से ट्रेनिंग लेने के बजाय उसे ट्रेनिंग देने में ज़्यादा रुचि रखते हैं। तो दोस्तों, डैश हंड का शरीर कठीला और पावरफुल होता है। इसकी कमर सीधी रहती है, पैर काफ़ी छोटे होते हैं, लेकिन शरीर की लंबाई अधिक पाई जाती है। चलते समय ऐसा लगता है मानो जमीन से चिपक कर यह डॉग चल रहा हो। इसका सिर लंबा होता है, कान चौड़े और लटके होते हैं, पूंछ कमर की ऊंचाई पर रहती है लेकिन मुड़ी हुई नहीं होती है। बालों वाले डैश हंड में एक में लंबे और दूसरे में वायर जैसे और तीसरे में छोटे बाल होते हैं। छोटे बालों वाले का शरीर काफी चमकदार होता है। लंबे बालों वाले डैश हंड के शरीर के सभी भागों पर रेशमी घने बाल पाए जाते हैं। डैश हंड का रंग रेड, ब्लैक, ग्रे, सिल्वर, आसमानी या चितकबरा भी हो सकता है। तो दोस्तों, कभी कभी टाइगर के जैसे निशान भी डैश हंड पर पाए जा सकते हैं। डोबरमैन की तरह आंखों के ऊपर, पैर तथा सीने पर भूरे निशान भी इसमें होते हैं। डैश हंड खाने में तेज होता है, इसलिए यदि पर्याप्त एक्सरसाइज इसे नहीं दी जाए तो जल्दी ही मोटापा इसको पकड़ लेता है। तो दोस्तों, डैश हंड का वजन अपनी ब्रीड के अनुसार 4 से 11 केजी तक पाया जाता है। तो आपने ये वीडियो देखी, और इस वीडियो में यदि आपको ये अच्छी लगी हो तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और इस पर आवश्यक कमेंट्स अवश्य दें। आपके कमेंट्स ही हमें नई वीडियो और नई डॉग्स की नॉलेज आप तक पहुंचाने में मदद करते हैं और उत्साहवर्धन करते हैं। थैंक यू।